कोरोना के समय में आप और हम तो घर पर बैठे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, नई नई डिशेस बनाना सीख रहे हैं, लेकिन सोचिए जो डॉक्टर है तो उन पर और उनके परिजनों पर क्या गुजरती होगी। डॉक्टर्स और उनका परिवार रोज इस डर के साथ जीते हैं कि कहीं वे कोरोना का शिकार ना हो जाए। मैं कई डॉक्टर्स को जानता हूं जो पिछले एक साल से अपने परिवारों से अलग रह रहे हैं। दरअसल पिछले एक साल से धरती के भगवानों पर हमले हो रहे हैं। पिछले साल इंदौर के टाटपट्टी बाकल की ये तस्वीरें अब भी जेहन में ताज़ा है, जहां कोविड के सैंपल लेने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया था। ये तस्वीरें लगभग पूरे देश से हमने देखी हैं और देख भी रहे हैं। यूपी का मुरादाबाद हो या बिहार का औरंगाबाद, हर जगह जान बचाने वाले डॉक्टर्स पर ही लोगों ने हमला कर दिया। हाल ही का मामला भोपाल का है, जहां सरकारी अस्पताल में परिजन गंभीर हालत में पेशेंट को लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मरीज को नहीं बचा पाते, जिसके बाद स्थानीय विधायक अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचते हैं और डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं। आप कहेंगे कि ये इंडिया है, यहाँ सब चलता है, लेकिन सब चलता है अब नहीं चलेगा। जी हाँ, ये घटना है भोपाल के जेपी अस्पताल की, जहाँ कोरोना के नोडल अधिकारी और मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया। पिछले एक साल से अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों के इलाज में दिन रात एक कर देने वाले डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव को स्थानीय विधायक पीसी शर्मा के समर्थकों ने बहुत धमकाया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने उन्हें यथास्थिति बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेताजी के साथ आए लोग डॉक्टर को धमकाते चमकाते रहे और गालियां देते रहे। आखिर में इससे तंग आकर डॉक्टर श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया। बता सकता, हम तो इंसान है, डॉक्टर है, और वो जैसे ही खत्म हुआ मैं वहीं था। खत्म होने के बाद पता नहीं कहां से कुछ बाहरी लोग आ गए और 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूं। मैं रो रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना, इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया। मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने मुझे नौकरी नहीं करना कर दिया, दे दिया इस्तीफा मैंने। मुझे मैं इस कदर की गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी गलती, मुझे 50 जूते मार लो गाली दे दो मुझे मंजूर है, बगैर गलती किस तरह लोग बाहर से आएंगे। तो रोज कोरोना में डेथ होना, आज के दिन गाली दी कल के दिन मारेंगे कोई चाकूदार के पेट में, मुझे नहीं करना दादा ऐसी नौकरी। मैंने रिजाइन कर दिया आज से, और कल से मैं घर बैठूंगा दादा, मैं नहीं करना, मेरे बस का नहीं है। मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि सरकार ने अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। दरअसल हमारे देश में कहा जाता है कि सब चलता है, लेकिन अब ये सब चलता है नहीं चलेगा। लॉकडाउन में आप और हम चुपचाप घर पर बैठ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो लगातार बेहद मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। 10 अप्रैल को ही इंदौर में जूनियर डॉक्टर दीपक सिंह की कोरोना से मौत हो गई। वे MY अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोविड मरीजों का उपचार कर रहे थे। कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान ही वे संक्रमण का शिकार हो गए थे। जूनियर डॉक्टर पिछले 10 दिनों से भर्ती थे और उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। जानकारी के मुताबिक उनके फेफड़े 80% से भी ज़्यादा खराब हो चुके थे। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक देश भर में 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स कोविड के पेशेंट को बचाते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। IMA के हवाले से जारी इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर आपकी और हमारी तरह घर नहीं बैठे थे, लेकिन एक सैनिक की तरह फ्रंट लाइन पर डटे हुए थे। आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स के साथ नेताओं का इस तरह का व्यवहार जायज़ है? अगर नहीं तो कमेंट में लिख कर मुझे बताइए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि धरती के भगवान डॉक्टर्स के साथ हम सब मिलकर खड़े हो सके और हम सब कहें कि सब चलता है अब नहीं चलेगा।